जिला नियोजन समिति की बहुप्रतीक्षित बैठक आज समिति के अध्यक्ष और जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में हुई, तो जन प्रतिनिधियों ने मुद्दों और प्रस्तावों का अंबार लगा दिया। इसमें पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सभी प्रस्तावों को पटापट मंजूरी दी। शहर और परिसर में सुचारू आपूर्ति के लिए जब जन प्रतिनिधियों ने बिजली कंपनी के 29 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर करने का आग्रह किया, तो पालक मंत्री पाटिल ने तत्काल 50 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करने और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्ताव भेजने और उसे भी मंजूर करने की तैयारी दर्शाई। ऐसे ही जनप्रतिनिधियों द्वारा कुछ अफसरों पर उनके आदेशों और प्रस्तावों की अनदेखी करते हुए जब आवाज उठाई गई, तो पालक मंत्री पाटिल ने उन्हें बखूबी शांत किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस समय कई अफसर भी अपनी चूक कुछ प्रमाण में स्वीकार करते नजर आए। उत्तर दिल परंतु काली माती है कि 24 लाख रुपये स्टेटिस्टिकेट आयामें काड़ा माती 24 लाख रस्ते बनते हैं का कर रहा है पाटन रस्ते पाजे ना डिप्टी कलेक्टर इजे साहब जिले का पालक मंत्री बनने के बाद चंद्रकांत पाटिल ने पहले एक दो कार्यक्रमों में सहभाग पश्चात डीपीसी की 2.5 घंटे की बैठक लेकर विकास प्रकल्पों को आगे बढ़ाया, जिसके बाद वे महानगर पालिका पहुंचे, जहां पर शहरवासियों को जन सुविधाएं देने के विषय पर उनकी आयुक्त देवीदास पवार से चर्चा हुई। यहां पर पालक मंत्री पाटिल ने तेजी से निर्णय लेने के अपने अंदाज में अमरावती शहर में महानगर पालिका का अपना बड़ा अस्पताल रहने की आवश्यकता पर खुद ही बल दिया और प्रशासन से इस बारे में तत्काल विस्तृत प्रस्ताव भेजने हेतु कहा। नागरी सुविधा देण्यासाठी एखादं तुमच्या याच्यामध्ये रोड्स कमी येतात पण तरी तुमच्यावर येत असते रोड्स। नागरी सुविधा म्हणजे काय, गटर नीट असायला पाहिजे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नीट असली पाहिजे, रस्त्याची लाईट नीट असली पाहिजे, शाळा नीट असली पाहिजे, हॉस्पिटल नीट असली पाहिजे, ग्राउंड नीट असली पाहिजे। नेरकिंगे जी अमरावती जी पाईपलाईन आहे, ती पाईपलाईन सिमेंटची आहे आणि ती एक्सपायरी 32 वर्ष आहे, त्यामुळे ती बदलणं अत्यंत गरजेचं आहे। पहिल्या आपल्या रस्त्यावर तेच करा जे चालू आहे तेच ठेवा, परंतु ती टाकी जर भरल्या गेली नाही तर त्याने एक प्रॉब्लेम हा होईल की त्या टाक्या खराब होणार आहे। लक्षात घ्या, आपण आज जवळपास 12 ते 15 टाक्या या ठिकाणी उभ्या केल्या, आपण 2 नवीन ट्रीटमेंट प्लांट तयार केले, कारण आपल्याला शुद्ध पाणी मिळत नव्हतं म्हणून आपण 2 यासाठी आपण 122 कोटी मागितले, 112 कोटी तुम्हाला भेटले, त्यातलं तुमचं काम पूर्ण झालं 100%। जिले के सबसे बड़े महिला अस्पताल डफरीन परिसर में सरकारी खर्च से धर्मशाला का निर्माण करने के बारे में विधायक सुभाष खोड़के द्वारा डीपीसी की बैठक में रखा गया प्रस्ताव समिति की बैठक में पालक मंत्री पाटिल की अध्यक्षता में हाथों हाथ पारित किया गया। इससे मरीजों के रिश्तेदारों को काफी सुविधा होगी। विगत कई वर्षों से इस तरह के भवन की मांग हो रही थी, जो विधायक सुभाष खोड़के की पहल से स्वीकृत हुई है। जिले में किसानों के मुंह तक आया निर्वाला प्राकृतिक आपदा के कारण छिन गया और किसानों की फसल का भारी नुकसान हुआ, साथियों ने अब तक आर्थिक सहायता नहीं मिली है। इस मुद्दे को उठाते हुए विधायक देवेंद्र भुयार आज नियोजन समिति की बैठक में काफी आक्रामक हुए और उन्होंने किसानों को जल्द से जल्द सहायता देकर न्याय दिलाने की मांग की। डीपीसी की बैठक पश्चात जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों 6 स्वाधीनता सेनानियों की पत्नियों का सत्कार किया गया, जिन्हें साड़ी शॉल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही जिले के 41 स्वाधीनता सेनानियों को सत्कार हेतु आमंत्रित किया गया था। जिला नियोजन समिति की बैठक में उपस्थित रहने हेतु अमरावती पहुंचे जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने आज स्थानीय मीडिया से खुलकर संवाद साधा और डीपीसी की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के साथ ही कहा कि भाजपा नेत्री पंकजा मुंडे का यह दुर्भाग्य है कि वे छींकती भी है तो समाचार बन जाता है और मीडिया द्वारा पंकजा मुंडे की प्रत्येक बात का अलग अर्थ निकाला जा रहा है, जिसके कारण खुद पंकजा मुंडे का ही काफी नुकसान हो रहा है। नागरिक आणि नेते यांच्या समस्या ह्या समोरासमोर, तर माझा अनुभव असा आहे की मंत्रालयात मी बसलो की माझ्या खिशात असणारे 100 पैकी 90 मागल्या गेले असतात, एका ठिकाणी बसायला, त्यामुळे मी त्यांना असं म्हटलंय की तुमचे हॉस्पिटल्स आणि प्राथमिक आणि महाराष्ट्रामध्ये अपवादाने असणारे माध्यम, त्याची दुरवस्था इतकी आहे की एकूण शहरामध्ये 2,10,000 स्टुडंट पॉप्युलेशन आहे, तर त्यांच्याकडे फक्त 10,000
स्थानीय संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ के सीनेट सभागृह का नामकरण डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊसाहब देशमुख सीनेट सभागृह किया गया है। विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद व सीनेट सदस्य तथा शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के उच्च तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने नामकरण फलक का अनावरण किया। विद्यापीठ के सीनेट सभागृह के नामकरण समारोह में कुलगुरु व प्रकुलगुरु की गैरहाजिरी तथा सांसदों व विधायकों सहित व्यवस्थापन परिषद व कार्यकारी परिषद के सदस्यों की अनदेखी को लेकर कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे काफी हद तक संतप्त हो गए और उन्होंने इस बारे में विद्यापीठ के कुल सचिव तुषार देशमुख को जमकर आड़े हाथ लिया। नामकरण समारोह को लेकर कोई निमंत्रण पत्र प्रकाशित नहीं किए जाने तथा इस आयोजन में किसी भी तरह के सरकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि कुलसचिव तुषार देशमुख मूलतः शिवाजी शिक्षा संस्था से वास्ता रखते हैं और उन्होंने अपनी पुरानी रिश्तेदारी निभाने के लिए केवल संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख को ही इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर आमंत्रित किया। इसके साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अंजी के वानखड़े ने आरोप लगाया कि सीनेट सभागार के नामकरण समारोह की आड़ लेते हुए शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने एक तरह से श्रेय लूटने का प्रयास किया है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि विद्यापीठ द्वारा जल्द ही इस नामकरण समारोह के फलक को बदला नहीं जाता तो इस फलक पर भाजपा युवा पदाधिकारियों द्वारा कालिक पोत दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कुल सचिव तुषार देशमुख को तुरंत प्रभाव से निलंबित किए जाने की मांग की। एक दिवसीय जिला दौरे पर अमरावती पहुंचे जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों लगातार दूसरे वर्ष आयोजित अटल दौड़ हाफ मैराथन स्पर्धा की वेबसाइट का प्रोमो व टी शर्ट का उद्घाटन किया गया। इस दौड़ का आयोजन मनपा के पूर्व स्थायी सभापति तुषार भारती व उनके साथी करते हैं। इस समय विधायक व भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल भी उपस्थित थे। इसके साथ ही पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के हाथों बोरगांव धर्माले ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया और सभी उपस्थितों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनाते हुए चित्रफीत भी दिखाई गई। इससे पहले आज सुबह स्थानीय सर्किट हाउस पर जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल का भाजपा शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल सहित विदर्भ वित्त वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नितिन धांडे पूर्व शहराध्यक्ष किरण पातुरकर तथा पूर्व पार्षद तुषार भारती द्वारा स्नेहिल स्वागत किया गया। अमरावती एकता प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एंड लैंड डेवलपर्स एसोसिएशन ने भूमि अभिलेख कार्यालय के जिला उपाधीक्षक के कामकाज को लेकर पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल से शिकायत की। इस समय एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश गिरोलकर के नेतृत्व में पालक मंत्री को निवेदन सौंपा गया। मराठा आंदोलन को लेकर राकांपा नेता व मंत्री छगन भुजबल द्वारा दिए जा रहे बयानों के संदर्भ में प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता व विधायक बच्चू कड़ू द्वारा कहा गया कि अपने वरिष्ठों की सहमति के बिना छगन भुजबल इस तरह से आक्रामक होकर कुछ भी नहीं बोलते, जिसका सीधा मतलब है कि भुजबल के बयानों को लेकर अजित पवार की मूक सहमति है। जिला परिषद की पदभर्ती परीक्षा में आज सुबह 9:15 की बजाय 9:16 यानी 1 मिनट की देरी से पहुंचे 4 अभ्यर्थियों को परीक्षा ठेका संचालक कंपनी TCS द्वारा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे उन विद्यार्थियों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इन विद्यार्थियों द्वारा लाख मिन्नत करने के बावजूद भी परीक्षा केंद्र के अधिकारी व कर्मचारी टस से मस नहीं हुए और कंपनी के लोगों से बात करने का प्रयास भी विफल रहा। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु मतदाता सूची निरीक्षक के तौर पर संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे की नियुक्ति की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अमरावती जिले को संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे द्वारा कल शनिवार 25 नवंबर को भेंट दी जाएगी और वे विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगी। अमरावती जिले की 8 तहसीलों की 19 ग्राम पंचायतों में उपसरपंच पद का चुनाव कल गुरुवार 23 नवंबर को नवनियुक्त सरपंचों की अध्यक्षता के तहत नवनिर्वाचित सदस्यों में से किया गया। इस चुनाव में 13 ग्राम पंचायतों के उपसरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए, वहीं 6 स्थानों पर एक से अधिक दावेदार रहने के चलते चुनाव करवाने पड़े। इन सभी 19 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव विगत 5 नवंबर को कराए गए थे, जिसका परिणाम 6 नवंबर को घोषित होने के बाद नवगठित ग्राम पंचायतों के उपसरपंच पद हेतु कल पहली सभा ली गई। प्रेरणा बहुद्देशीय विकास व शिक्षा संस्था डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन तथा विश्व लीडर डिजिटल मैगजीन के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय संविधान जनजागृति अभियान अंतर्गत आगामी 26 नवंबर को नवाते चौक स्थित होटल मानसरोवर में शाम 6 से 9 बजे तक जीवन गौरव पुरस्कार व संविधान मित्र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। 800 तर हा विषय कायमस्वरूपी आम्हाला चालवायचा आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही भारतीय संविधानाचे जे लोक स्वतः प्रती जागृत राहून समाजामध्ये संविधानाची प्रचार प्रसार स्वतःच्या प्रेरणेने करतात अशा लोकांना आम्ही संविधान मित्र पुरस्कार देतो। या पुरस्काराची निवड करत असताना आम्ही त्यांची सोशल मीडियावर काय ॲक्टिव्हिटी आहे त्यांच्यावर देखरेख करून आम्ही त्यांची निवड करतो। ठेका नियुक्त स्वास्थ्य अधिकारियों कर्मचारियों का जिला परिषद कार्यालय के सामने विगत 31 दिनों से कामबंद आंदोलन शुरू है। आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने आज जिले के दौरे पर आए राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री तथा जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल से सर्किट हाउस में मुलाकात की, तो पालक मंत्री पाटिल ने भी इन ठेका कर्मचारियों को देखते हैं वाली बात कहते हुए आश्वासन के लड्डू थमाए।
विगत 5 दिनों से पुलिस पाटिलों का मानदंड बढ़ाने व अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू है। आज शुक्रवार को वर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामदास तड़स ने आंदोलन पंडाल पर भेंट देकर पुलिस पाटिलों की समस्याओं को मंत्रिमंडल की बैठक में उठाने का आश्वासन दिया। अमरावती जिले सहित जलगांव व अकोला में जाति के नाम पर धर्म का फायदा उठाकर कोली समाज को मिलने वाले अनुसूचित जमाति के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग जैव लेखन आदिवासी क्रांति संगठन ने विभागीय आयुक्त से की है। मनसे की जिला शाखा द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि जिले में इस वर्ष बारिश काफी कम हुई और फसलों की उपज घट गई। ऐसे में अमरावती जिले को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए सभी किसानों को 100% फसल बीमा लाभ लागू किया जाए। मनपा के अतिक्रमण दस्ते ने शहर के राजकमल चौक सहित रेलवे स्टेशन मार्ग से मालवीय चौक तक बने मालवीय चौक के बीच अतिक्रमण निर्मूलन अभियान चलाकर शहर के फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त किया। तपोवन से आज सुबह 7 बजे सैकड़ों गजानन भक्तों ने शेगांव की पैदलवारी पर प्रस्थान किया। इस समय भावी श्रद्धालु में काफी उत्साह नजर आया। इस अवसर पर गजानन महाराज की प्रतिरूप पालकी को उठाने को लेकर भाविकों में अच्छी खासी होड़ दिखाई दी। इस समय विधायक सुलभा खोड़के ने भी उपस्थित रहकर पालकी उठाई और थोड़ी देर में भाविकों के संग चली। श्री अम्बादेवी संस्थान की ओर से कार्तिक मास समाप्ति व काकड़ा महोत्सव पूर्णाहुति निमित्त श्री अम्बादेवी मूर्ति नगर भ्रमण के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंगलवार 28 नवंबर को दोपहर 4 बजे मंदिर से बाहर निकाली जाएगी। बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आगामी रविवार 26 नवंबर को सुबह 11:30 से 12:30 बजे तक हृदय रोग मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के ख्यातनाम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज राघा ने हार्ट अटैक के लक्षणों व इससे बचने के उपायों के बारे में उपस्थितों का मार्गदर्शन करेंगे। इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर सांसद अनिल बोंडे तथा पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल उपस्थित रहेंगे। पोदार इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले 13 वर्षीय हरजस लुल्ला ने मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज अपने कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया कि राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत कुछ दिनों से चोरी व सिनमारी की घटनाएं बड़े पैमाने पर घटित हो रही थी, जिसके चलते पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई थी। इसी पेट्रोलिंग के दौरान राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जयदत्त कॉलोनी व एकवीरा नगर में गश्त लगाते समय पुलिस के पथक ने समय सूचकता दिखाते हुए बंद घर में चोरी करने के इरादे से घुसे 2 चोरों को चोरी करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। साथ ही दोनों की निशानदेही पर उनके तीसरे साथी को भी पकड़ा गया। पता चला है कि शातिर चोरों की इस चिखली द्वारा शहर में अब तक दर्जनों चोरियों को अंजाम दिया जा चुका है। चोरों की इस टोली से करीब 4.25 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। सुपर हाईवे रोड स्थित कुंडेश्वर टी पॉइंट के पास खड़े टाटा कंपनी के 10 चक्का ट्रक को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। तुलजा भवानी पेट्रोल पंप के पास से चुराए गए इस ट्रक की चोरी के मामले की बडनेरा पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। मोर्शी के निकट सिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह 8 से 9 बजे के दौरान गुराला गांव के पास पुलिस के दल ने पेट्रोलिंग करते समय मोर्शी अमरावती मार्ग पर मध्य प्रदेश की ओर से आ रहे आयशर ट्रक को रुकवाकर उसकी जांच की तो इस ट्रक में 54 गोवंशी जानवर लदे बरामद हुए। ट्रक के भीतर लकड़ियों की पटली की सहायता से 2 कप्पे तैयार करते हुए लादे गए 54 गोवंश जानवरों की कीमत 8,55,000 रुपए बताई गई है। सभी गोवंशी जानवरों को केकरपुर की गौशाला में संगोपन के लिए रखा गया है। वहीं इस मामले में सिरखेड़ पुलिस ने अलाउद्दीन रज्जा खान, उस्मान खान, माजिद खान व बादशाह खान खुदाबख्श खान नामक 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। ट्रक मालिक की तलाश जारी है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वडाली परिसर में राम मंदिर के निकट रहने वाले उमेश सुरजस नामक 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल तक आत्महत्या किए जाने की वजह ज्ञात नहीं हो पाई है। बुधवार की दोपहर मार्डी रोड स्थित इंदला गांव के निकट एक ट्रक को ओवरटेक करते समय अचानक सामने आए दुपहिया वाहन को बचाने के प्रयास में कार चालक ने अपनी कार को रास्ते के दूसरी ओर मोड़ा, लेकिन कार अनियंत्रित होकर 2-3 बार पलटी खाते हुए रास्ते के किनारे गड्ढे में जा गिरी। सौभाग्य से कार में सवार दोनों युवक भी बाल बाल बच गए। गत रोज सुबह अंजनगांव सुरजी से अकोट की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने महामार्ग क्रमांक 6 पर हसनापुर लोखंड कारखाने के पास रास्ते से गुजर रही 7 बकरियों को कुचल दिया, जिसकी वजह से 7 बकरियों की मौत हो गई, वहीं 2 बकरियां गंभीर रूप से घायल हुई। बुलढाणा जिले के बुरखड़ी थाना अंतर्गत एक गांव में 23 नवंबर को दोपहर 3 बजे 2.5 साल की बच्ची पर बलात्कार कर उसे जान से मारने का प्रयास 17 साल के आरोपी ने किया। बच्ची की हालत नाजुक होने से उसे उपचार हेतु अकोला रेफर किया गया है, जहां पर उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पता चला है कि 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी ने बच्ची के साथ दुराचार करने के बाद उसे पत्थर से कुचल कर मार देने की कोशिश की। मुर्तियापुर में खापरवाड़ा के निकट सड़क किनारे खड़े रोड रोलर से आज सुबह 7 बजे हिरपुर से आ रहा पिकअप वाहन जा टकराया। इस हादसे में करीब 13 मजदूर घायल हो गए, जिसमें से 2 मरीजों की हालत चिंताजनक रहने के चलते उन्हें अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अन्य घायलों को मुर्तियापुर के लक्ष्मीबाई देशमुख उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।